भूभाग को वापस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे फिर वो बांग्लादेश, वो नेपाल, वो तिब्बत, वो अफगानिस्तान फिर से कैसे आपके भारत में समाहित होगा? वो हमारे निकट भूतकाल में हमसे अलग हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन लोगों के अंदर भी अब कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है कि हम लोगों का भी बाप दादा ने निर्णय किया वो गलत किया। भारतीय ध्वज है जो हमारा तिरंगा है, इस कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा बताया गया जैसा कि स्टार्ट में जो प्रारंभ के समय थे उस टाइम लोगों के द्वारा जो ध्वज था उसका रंग भगवा बताया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अलग अलग रंगों में बांट दिया, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? बहुत अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है, एक को मोमिन कहते हैं दूसरे को काफिर कहते हैं। आप ईसाइत की बात करेंगे तो एक को बिलीवर बोलते हैं दूसरे को नॉन बिलीवर बोलते हैं। इसलिए बंटवारा करने वाले लोग, विभाजित करने वाले लोगों को ही कष्ट है। नमस्कार, न्यूज सुपर सेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त को आज आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिस कार्यक्रम का नाम था अखंड भारत संकल्प दिवस। और हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस से ही श्री देव व्रत जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी बातों से लोगों को लाभान्वित किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। जो आज का ये आपका कार्यक्रम था तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? ऐसा है कि इस देश में इस जो राष्ट्र है उसकी जो खोई हुई भौगोलिक भाग है उसकी चर्चा नहीं होती है, तो लोगों को याद दिलाना है कि अपना राष्ट्र बहुत बड़ा था, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं क्या, इसकी संभावनाओं को जनता के बीच में प्रचार प्रसार करना और जनता की जो जागृति के आधार पर फिर से अपने राष्ट्र के वैभव को पुरातन अवस्था में पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य है। जिस तरीके से इस जो आपका ये संगठन है इससे हमें नए नए लोगों को, युवाओं को काफ़ी देखा गया जो कि उत्साहित थे, आपकी बातों को बड़ा ध्यान से सुना जा रहा था, तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये संदेश उनमें कहीं ना कहीं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं? युवा वर्ग ही संपूर्ण विश्व में परिवर्तन का वाहक होता है। कोई भी सत्य बात जब युवाओं को अच्छा लगता है तो उसमें वो सक्रिय होता है और बगैर अपनी चिंता की हुए उसमें बस सहभागी होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में परिवर्तन भी होता है, क्रांति भी होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो युवा बंधु हमारे आए हैं वह उत्साहित हैं और कुछ न कुछ सकारात्मक दृष्टि से स्वयं के बलबूते पर, अपने मित्र के बलबूते पर अखंड भारत की प्राप्ति में उनका योगदान होने ही वाला है, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है अपने युवाओं पर, क्योंकि वह सकारात्मक दृष्टि रखते हैं और कुछ कर गुजारने की उनके अंदर भावना है। तो इसलिए उनके सामने एक चुनौती है कि अपना यह जो देश बहुत विशाल था वो धीरे धीरे और सिमटता गया, उसको हम फिर से और भौगोलिक व्याप को बढ़ा सकते हैं क्या, ये उनके अंदर की स्वाभाविक भावना है। इसलिए उनके अंदर ये उत्साह है और वो जबर से कुछ ना कुछ करेंगे। आगे आने वाले दिनों में भारतवर्ष के अगर सभी युवा इस दिशा में सक्रिय हो जाएं तो कुछ वर्षों में ही हम जो है ना राष्ट्रीय एकता, या उसको कह सकते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्र की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की जो राष्ट्र की कल्पना है वो सांस्कृतिक राष्ट्र की कल्पना है। हमारे यहाँ राज्य राष्ट्र की कल्पना नहीं है, यूरोप में राज्य राष्ट्र की कल्पना है कि पहले राज्य बनेगा बाद में राष्ट्र बनेगा, भारतवर्ष में राज्य अनेक होते थे राष्ट्र एक होते थे। तो आगामी आने वाले दिनों में जो भाग हमारे निकट भूतकाल में हमसे अलग हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन लोगों के अंदर भी अब कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है कि हम लोगों का भी बाप दादा ने निर्णय किया वो गलत किया और आज भी जो व्यवहार गलत है, तो इस प्रकार से उनके अंदर भी सकारात्मक। तो किस तरीके से हम अपने खोए ज़मीर को, अपने खोए भूभाग को वापस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे फिर वो बांग्लादेश, वो नेपाल, वो तिब्बत, वो अफगानिस्तान फिर से कैसे आपके भारत में समाहित होगा? वो ऐसा है कि एकदम राजनैतिक दृष्टि से, जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा कि भारतवर्ष की दृष्टि सांस्कृतिक राष्ट्र की है, राष्ट्र को राज्य अलग होगा, और राजनैतिक दृष्टि से भले एक नहीं हो लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से एक हो सकता है और शुरुआत वहीं से होनी है।
तो इसीलिए यह सांस्कृतिक दृष्टि का जागरण हो रहा है, दुनिया के अन्य देशों में भी हो रहा है। हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से एक हो सकते हैं, मानने की बात है, असत्य भी बात है कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। तो आप उपासना के नाते आप मस्जिद में जाइए, लेकिन वंश के नाते आप हिंदू हैं। तो कैसे एक एक मुस्लिम जब समुदाय से लोग आते हैं वो उपासना के लिए मस्जिद में जाते हैं, आयान अजान और जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको वो करते हैं, तो क्या एक मस्जिद में अजान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, खुदा को मानने वाला, फिर वो आपके हिंदू जो रीति रिवाज है या फिर जो संस्कृति और की बात कर रहे हैं आप, उसको कैसे वो ग्रहण कर पाएंगे? ऐसा है कि जो संस्कृति की बात है वो संस्कृति जीवन मूल्य होता है। हम लोग कर्मकांड को संस्कृति मानते हैं, ये थोड़ा सा उथली व्याख्या है। हमारे कुछ जीवन मूल्य हैं भारतवर्ष के, वो क्या है कि हम प्रकृति को हम माता मानते हैं और उसका न्यूनतम उपभोग पर हम विश्वास करते हैं और जियो और जीने दो का हमारा नारा है। इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। उसकी ढांचागत जो चीज़ें हैं वो स्वीकार करना नहीं करना वो विषय नहीं है, ये जीवन मूल्य को स्वीकार करते हैं यानी हमारे संस्कृति को स्वीकार करते हैं। और उनका जो ढांचागत माने पर्व त्योहार वो अलग हो सकता है, वो मस्जिद में जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग अपने वातावरण को ही उसके अनुकूल और अपने आप को समाहित पाते हैं, चूँकि हमारा वातावरण जो है वही है, तो फिर किस तरीके से इसको बांटने का काम किसने किया था, कैसे हमारा ये संस्कृति पूजा पाठ में बट गया, नमाज में बट गया, अजान में बट गया, कैसे हुआ ये सब? ऐसा है कि भारतवर्ष पूरी दुनिया में धर्म की शिक्षा दिया और पूरी दुनिया में भारतवर्ष की बातों की मान्यता थी, लेकिन धीरे धीरे और कुछ लोग ऐसे हो गए जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो भौतिक संपदा को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं और भारतवर्ष की संपदा की ओर ललचाई दृष्टि से उन्होंने देखना शुरू किया, इसलिए यहाँ आक्रमण शुरू हुए और ऐसे लोग ही आज भारतवर्ष में हैं। दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर को वो अंतिम सत्य मानते हैं और शरीर से संबंधित चीज़ों पर ही उनका ध्यान है। भारतवर्ष इस शरीर के भीतर भी कोई और सत्य है, चेतना, उसकी खोज करता है और वो हमारी आत्मा है, वो हमारा मूल है। तो इसीलिए शरीर से परे भी जो सत्य है उसका अनुसंधान करना ये भारत का उद्देश्य है और उसके अनुसंधान से ही परोपकार करना ये हमारी राष्ट्रीय प्रवृत्ति है, राष्ट्रीय जीवन लक्ष्य है। इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पूरी दुनिया को धर्म की शिक्षा देना ये भारत का जीवन लक्ष्य है, यानी पूरी दुनिया को परोपकार करना, उनको जीवन जीने की कला सिखाना, ये भारतीयता है और यह पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। अगर मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा भारत है, भारत बात करता है सर्व धर्म संप्रदाय की बात करता है, जिस भारत में हर संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, उनको अपने जो भी संस्कृति है, कल्चर है, जिस तरीके से मतलब बना दिया गया आपके कहने के अनुसार, तो फिर किस तरीके से हम उनको इस तरीके जो आज की चीज़ें हैं, जिस तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है कि हम अपने जो खोया हुआ हमारा संस्कृति है उसको प्राप्त करेंगे, कैसे हो पाएगा इसे? ऐसा है कि धर्म तो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक है। वो धर्म है क्या कि आप जो हैं मनुष्य हैं तो मनुष्य के नाते सभी मनुष्यों को एक समान देखें, ये भारतवर्ष की ही फिलॉसफी बोलती है। भारतवर्ष के अलावा इसको लोग बोलते हैं क्या? अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है, एक को मोमिन कहते हैं, दूसरे को काफिर कहते हैं। आप ईसाइयत की बात करेंगे तो एक को बिलीवर बोलते हैं, दूसरे को नॉन बिलीवर बोलते हैं। इसीलिए बंटवारा करने वाले लोग, विभाजित करने वाले लोगों को ही कष्ट है। और भारतवर्ष का तो दर्शन ये बोलता है कि सभी मानव एक समान है और सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, उस पर अपनी विचार थोपना नहीं चाहिए। भारतवर्ष कभी किसी के ऊपर अपना विचार थोपता नहीं है और इसको विचार थोपने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक नियम कायदा कानून है उसको भारतवर्ष पालन करता है, लेकिन शेष लोग जो हैं अपने द्वारा कृत्रिम नियम कायदा कानून जिससे उनका वर्चस्व स्थापित हो, इसके लिए उनका आग्रह रहता है। इसीलिए तो दुनिया में संघर्ष है। इसीलिए मेरी ऐसी मानना है कि भारतवर्ष का विचारधारा अगर पूरी दुनिया अपनाएगी तो भारतवर्ष के राज्य के अधीन उसको रहना नहीं है,
बल्कि पूरे संपूर्ण मानवता को अपने मित्र के समान देखना, मित्रवत व्यवहार करना और उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए परोपकार करना, ये भारतवर्ष का दर्शन है। जियो और जीने दो। इसीलिए पूरी दुनिया में आज जितनी मारामारी है, अगर भारतवर्ष के इस दर्शन को पूरी दुनिया नहीं स्वीकार करेगी तो दुनिया में शायद शांति की स्थापना भी नामुमकिन है। और यह कोई थोपने की बात नहीं है, इसको स्वीकार करने की बात है। और इसके कारण वो कोई ईसाई से हिंदू बन जाएंगे ऐसी मेरी इच्छा भी नहीं है। वो नमाज, वो अपना चर्च में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, अपनी उपासना पद्धति जो है, जो करना है करें। लेकिन यह जो नैसर्गिक बात है कि हम मनुष्य हैं, सब मनुष्य एक समान हैं, ये प्रकृति हमारी माता है और हमको जीवन में न्यूनतम उपभोग करना चाहिए, दूसरे का भी अपने समान व्यवहार करना चाहिए, जिसको हमने बहुत छोटे शब्दों में कहा आत्मवत सर्वभूतेषु। यह बात आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत का जो दर्शन है ये मानव दर्शन है, और जिस दिन ये दुनिया मान लेगी उस दिन विश्व में शांति स्थापित होगी, विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी। और इसके कारण किसी का मजहब प्रभावित नहीं होगा, कोई मुसलमान से वो न हिंदू बनेगा, न ईसाई से हिंदू बनेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। दृष्टिकोण में परिवर्तन आने से उनके जीवन के सारे व्यवहार बदलेंगे, वो जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने की भावना है इससे उनको मुक्ति मिलेगी। और आज दुनिया में जो हिंसक रक्तपात दिखाई देता है इससे भी शायद हम छुटकारा पाएंगे। चलते अंतिम सवाल, और चाहेंगे कि इसका सर दो तीन सवाल होगा जिसका संक्षिप्त में आप जवाब देंगे। हमारा जो भारत है, मैंने अभी बैनर पे देखा अखंड भारत की बात की गई थी, तो क्या हमारा भारत अखंड भारत या अखंडित भारत? ऐसा है कि भारत तो क्या है कि एक सांस्कृतिक इकाई है, और जो हमारे भारतीय दर्शन को मानता है वह भारत के साथ अपना जुड़ाव अनुभव करता है। बाकी उनका जो राज्य व्यवस्था है वो उनका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो आज की नज़रिया से देखते हैं वो ठीक नहीं है, वो भारतवर्ष का माने दृष्टि नहीं है। भारतवर्ष का दृष्टि है कि जीवन के प्रति जो सही नज़रिया है उसको अपनाना, यानी मानव मानव एक समान है, हम सब लोग भाई भाई हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, सबको परोपकार करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, ये जो दर्शन है वह मानने में उनको कोई पांथिक कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि उनके समाज जीवन में भी अच्छा असर होगा। इसीलिए ऐसे सब सरल बात है, इसको सब पूरी दुनिया को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो दुनिया में अशांति कभी जाएगी नहीं। एक अब अंतिम सवाल, और ये हमारा जो वार्तालाप चल रहा था इसकी अंतिम कड़ी है, जो हमारा भारतीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, इस कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा बताया गया जैसा कि स्टार्ट में जो प्रारंभ के समय थे उस टाइम लोगों के द्वारा जो ध्वज था उसका रंग भगवा बताया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अलग अलग रंगों में बांट दिया, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे, बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे जवाब? ऐसा है कि व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का होता है, उसमें 25 वर्ष 20 वर्ष का महत्व है, राष्ट्र का जीवन बहुत लंबा होता है। आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो विगत बीते 100-125 वर्ष की बात कर रहे हैं, हमारा राष्ट्र जीवन लाखों वर्षों का है। इसीलिए जो लाखों वर्षों से चली आई हुई परंपरा है या मान्यता है उसको हम झुठला करके 100-125 वर्षों की मान्यता पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इस देश में जो लोग मानते हैं कि भारत नया राष्ट्र बन रहा है, ये उनके इस पर ज़्यादा जोर है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत पुरातन राष्ट्र है, इसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, तो फिर हमारी यहाँ पर कोई स्थिति बनती नहीं है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने हमको बहकाने की कोशिश किया कि पहले आप आए, बाद में हम आए, मुसलमान आए। तो इसीलिए सैद्धांतिक रूप से भी यह थ्योरी समाप्त हो गई कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, आर्य लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए हमारा राष्ट्र प्राचीन है। हजारों लाखों वर्षों से ये जो गैरिक ध्वज, भगवा ध्वज इस राष्ट्र का ध्वज रहा है,
इसीलिए जब आज राजकीय ध्वज तिरंगा झंडा है तो संघ उसका अवमानना नहीं करता है, उसको भी समान प्रतिष्ठा और सम्मान देता है, लेकिन अपना राष्ट्र का जो प्रतीक स्वरूप ध्वज है वो भगवा ध्वज ही है। क्या फिर से वो भगवा ध्वज राष्ट्र ध्वज जो है, जैसे कि हमने बताया प्रतीक है, तो क्या वो फिर से स्थापित हो पाएगा हमारे भारतवर्ष में? ऐसा है कि जब लोगों की दिशा और सोचने का ढंग बदलेगा, लोगों की स्वीकृति आएगी, कोई भी काम सहमति से होगा, संघर्ष से नहीं होगा। भारत के दर्शन रहा है कि सहमति से होना चाहिए, संघर्ष से नहीं। अगर लोगों की सहमति बन जाएगी तो संभव हो सकता है। तो अभी आप देवव्रत जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो आज का कार्यक्रम था उस पर। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर सेवन के साथ। तब तक आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।